कुंडरी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। ये हलचल मचाई है कुंडरी से दो बार विधायक रह चुके प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने। कैथल कपिल कमल कार्यालय में पहुंचकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं प्रोफेसर दिनेश कौशिक को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और कहा कि प्रोफेसर दिनेश कौशिक के पार्टी में शामिल होने से भाजपा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि प्रोफेसर दिनेश कौशिक 2019 के विधानसभा सीट से भाजपा टिकट के दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट को टिकट दी थी। टिकट कटने से हताश प्रोफेसर दिनेश कौशिक घर बैठ गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा था। अब एक बार फिर प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने भाजपा में अपनी आस्था जताई है। कौशिक के भाजपा में आने के बाद विरोधी पार्टी के नेताओं की नींद उड़नी लाजमी है। दबी जुबान में विपक्षी नेताओं व लोगों का कहना है कि अगर भाजपा ने प्रोफेसर दिनेश कौशिक को पुंडरी से अपना उम्मीदवार बनाया तो उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों ही प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पुंडरी में अपने निवास पर चाय का कार्यक्रम रखा था। यह चाय का कार्यक्रम रैली में तब्दील हो गया था, जिसे देखकर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी गदगद दिखे थे और उन्होंने अपने भाषण में प्रोफेसर कौशिक को अपना पुराना मित्र बताते हुए उनकी प्रशंसा की थी। अब देखना ये होगा कि प्रोफेसर दिनेश कौशिक पुंडरी में चली आ रही आजाद विधायक बनाने की परंपरा को तोड़ पाएंगे। प्रोफेसर कौशिक ने भाजपा पार्टी ज्वाइनिंग करने से पहले क्या कहा देखें, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या बोले वो भी हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि वैसे तो बीजेपी में है शुरू से, लेकिन विधिवत रूप से आज ज्वाइन कर रहे हैं। पीछे सैनी साहब भी आए थे और पिछले प्लान में भी मैं बीजेपी में ही रहा हूं, तो आज लेकिन विधिवत रूप से ज्वाइन आज कर रहे हैं। जानते हैं कि आज राम राज की स्थापना हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में। मोदी जी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसी तरह से हरियाणा में खट्टर साहब हर तरह से, किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, हर तरह से हर आम जनमानस को जो सुविधा मिल रही है, ये निस्संदेह काबिले तारीफ है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, ये तो सारी दुनिया जानती है। मैं अकेला तो नहीं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आज परचम लहरा रहा है। हर व्यक्ति विकास के लिए, हर व्यक्ति अनुशासन के लिए, हर व्यक्ति आमजन की सुविधाओं के लिए, हर व्यक्ति रोजगार और जो दूसरे साधन उन सब के लिए पूरी तरह से प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी। अगले कम से कम 40 साल इस भारतवर्ष में रहने वाली है, इस भारतवर्ष में राज करने वाली है। प्रोफेसर साहब, अगर भाजपा विधानसभा 2024 में पुंडरी विधानसभा से आपको मौका देती है तो क्या योजनाएं जो है वो क्या मुद्दे लेकर जो है पुंडरी विधानसभा में आप काम करेंगे? ये तो समय के ऊपर बात, जैसे जैसे पार्टी का आदेश होगा, जिस तरह से उनका आदेश होगा उस तरह से हम सेवा के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन ये फैसला पार्टी का है, अभी इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन विधानसभा 2024 के चुनाव का ट्रेलर आज आपने दिखा दिया, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आपके साथ उमड़े हैं। जी जी जी, ट्रेलर नहीं, ये तो एक भावना है, भावना है और शुरू से है। हम लोग कभी भी आम जनमानस से हम लोग जुड़े हुए हैं और जनमानस को साथ लेके ही चलते हैं, और आदरणीय मनोहर लाल जी का स्वागत करने के लिए हम सब लोग यहाँ आ जाएं। आज का ये अवसर ऐसे बंधुओं के लिए विशेष अभिनंदन का अवसर है जिन्होंने किसी भी अन्य पार्टी को छोड़कर के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं अथवा व्यवसायिक संस्थाएं, वहां से आकर के और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए आज संकल्प लिया है। मैं ऐसे सब बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।